बिहार के गया शहर के ढूंढीटार के समीप मुस्कान वर्ल्ड प्ले स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार श्रवण कुमार ने दिल्ली विधानसभा के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारक की लिस्ट करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, केसी त्यागी, आरसीपी सिंह, ललन सिंह समेत 20 नेता शामिल है। वहीं प्रशांत किशोर स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव और संगठन के अलग अलग तरीके हैं, जो व्यक्तिगत संगठन में काम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वह चुनाव में काम करें, और हर लोगों का अलग अलग महत्व है, मैं समझता हूं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह बात साझा दिल्ली में जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि 2 सीट पर जेडीयू लड़ेगी और 1 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी और बाकी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में ना किसी को दरकिनार किया जाता है और ना किसी को हटाया जाता है, हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। उसमें जेडीयू ने प्रशांत किशोर को किनारे कर दिया है, उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया, लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। देखिए, चुनाव और संगठन के अलग अलग तरीके हैं। जो व्यक्ति संगठन में काम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है भाई वो चुनाव में काम करे। और हर लोगों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, महत्व है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह बात समझा कि दिल्ली में जनता दल यू को और लोक जनशक्ति पार्टी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। तो उन्होंने सीट शेयरिंग हुआ, सीट का समझौता हुआ, 2 सीट पर जेडीयू लड़ेगी, 1 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी और बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे। हमारी पार्टी में किसी को न किनारा किया जाता है और न किसी को हटाया जाता है, हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। और जिनको जहाँ पर लगाने की आवश्यकता होती है पार्टी वहाँ पर लगाती है, आवश्यकता अनुसार लोगों का काम करने के लिए लगाए जाते हैं। स्टार प्रचारक के रूप के लिए से बाहर भी कर दिया गया सर? नहीं, स्टार प्रचारक तो ये पार्टी तो ये चुनाव में जो नेता होते हैं उनके लिस्ट को सिर्फ इलेक्शन कमीशन में भेजा जाता है। यहाँ तो संख्या 20-25 थोड़ी है स्टार प्रचारक का, यहाँ तो हजारों की संख्या में स्टार प्रचारक हैं, लेकिन उसका तो लिमिटेशन है इलेक्शन कमीशन में कि कितने लोगों का नाम जाएगा, तो लिमिटेशन के हिसाब से नाम गया होगा, हमने देखा नहीं है। लेकिन सब लोग यहाँ अच्छे नेता हैं, काम करने वाले हैं और सब लोग चुनाव में लड़ेंगे।